बिग बॉस के घर में रहना है तो बिग बॉस के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और बिग बॉस के घर में अगर लंबे समय तक रहना है तो फिर बिग बॉस में बिची बनकर रहना होगा। जी हाँ, आप वहां पर अगर सॉरी, थैंक यू, ओके, नो, हाय, बाय इस तरह की पर्सनालिटी रखेंगे तो शायद आप नहीं चल पाएंगे। पहले शायद ऐसा होता हो, लेकिन इस सीजन से ऐसा नहीं होगा। बिग बॉस ने दूसरे ही दिन कंटेस्टेंट्स को रियलिटी चेक दे दिया है। क्या है ये पूरी बात और क्या है ये पूरा माजरा? घर के 3 सदस्यों को मिली है बड़ी सजा और उसकी वजह क्या है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। सोशल मीडिया पर बिग बॉस एंड बिग बॉस ही छाया हुआ है। बिग बॉस के चर्चे हो रहे हैं, बिग बॉस में प्रोमो जो आउट हुआ है अब इसके भी चर्चे हो रहे हैं। जी हाँ, देखिए पहला नॉमिनेशन टास्क घर में आया, 2 दिन हुए हैं और अभी से वॉर शुरू हो चुकी है। शुरू में ही बिग बॉस ने जो है लगाम पकड़ ली है कंटेस्टेंट्स की, और बिग बॉस इस वक्त ढील देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सभी की पतंग कटने वाली है क्योंकि बिग बॉस इस वक्त जो है लीडिंग चेयर पर है। बिग बॉस ने घर वालों को टास्क दिया कि आप नॉमिनेशंस कीजिए और कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट कीजिए, एक दूसरे को नॉमिनेट कीजिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं, सबसे पहले तो नॉमिनेशंस हुए और फिर बिग बॉस ने कैसे भड़क कर गुस्सा निकाला है सभी जन कंटेस्टेंट्स पर। बिग बॉस मेरे नॉमिनेशंस हैं अब तो, सॉरी। बिग बॉस ने दिया घर वालों को रियलिटी चेक। घर में कुछ महान लोग मौजूद हैं, मैंने उन्हें सॉरी बोलते सुना। इस घर में कुछ महान लोग मौजूद हैं जिन्हें मैंने सॉरी कहते हुए सुना। जी हाँ, बिग बॉस का गुस्सा फूट कर निकला है इन 3 सदस्यों पर, और ये कौन है चलिए आपको वो सुनाते हैं। मान्या सिंह, सौंदर्य और टीना, मान्या, सौंदर्य और टीना, इन तीनों के नाम पर बिग बॉस ने वारंट इशू कर दिया है। जी हाँ, बिग बॉस का वारंट इशू कर दिया है। बिग बॉस ने कहा है कि जब तक अब मैं आपसे ना कहूँ, मेरे अगले आदेश तक घर का सारा काम, पर्सनल काम से लेकर प्रोफेशनल काम, घर के जो काम है बेसिकली, वो सारे काम आप तीनों ही करेंगी। लेकिन ये इतना मैसिव गुस्सा बिग बॉस का तीसरे ही दिन महज कंटेस्टेंट्स पर क्यों फूटा? देखिए, हम सभी जानते हैं कि जहां तक कंटेस्टेंट्स की बात है, उनको टास्क दिया गया कि आप लोग नॉमिनेट कीजिए। तो नॉमिनेशंस के बाद आपने किसी को नॉमिनेट किया, आपकी अपनी वजह थी किसी को नॉमिनेट करने की। लेकिन उसके बाद जो आपने एक अच्छेपन का चोला पहना, एक अच्छेपन का आपने ढांचा अपने ऊपर ले लिया, यानी कि आपने सॉरी सॉरी कहना शुरू कर दिया, वो बिग बॉस को बिल्कुल मंजूर नहीं है। बिग बॉस ने साफ कह दिया है कि अगर आप किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं तो आप बाद में जाकर क्लैरिफाई करें, या आप जाकर माफी मांगे, या आप जो सिचुएशन बिगड़ी है उसको जाकर संभालने की कोशिश करें। ये हिपोक्रेसी और ये दोगलापन हमें नहीं चाहिए, जनता को नहीं चाहिए, और स्पेशली बिग बॉस को तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इसीलिए बिग बॉस भड़के हैं। चलिए फिर आपको ये प्रोमो दिखा देते हैं। बिग बॉस मेरे नॉमिनेशंस हैं अब तो, सॉरी। बिग बॉस ने दिया घर वालों को रियलिटी चेक। घर में कुछ महान लोग मौजूद हैं, मैंने उन्हें सॉरी बोलते सुना। मान्या सिंह और सौंदर्य शर्मा, बिग बॉस के अगले आदेश तक घर का पूरा काम करना होगा। तो सॉरी बिल्कुल नहीं कहना है। जी हाँ, आपने सुना था कि नो सॉरी नो थैंक यू इन फ्रेंडशिप, लेकिन अब दुश्मनी में भी नो सॉरी एंड नो थैंक यू।